नमस्कार दोस्तों, अंडमान ट्रेवल ब्लॉग के 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी समय हो रहा है सुबह के 6:30 और हमारे होटल की खिड़की से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो दोस्तों, हम होटल से निकल चुके हैं और आज हम फ्लैग पॉइंट से गोगो बस पकड़कर पूरे पोर्ट ब्लेयर में जहाँ जहाँ वो लेके जाएगी उधर घूमेंगे। और गोगो बस का सबसे पास का पॉइंट जो मेरे होटल से वो है झंडा पॉइंट, तो फ्लैग पॉइंट को देखकर हम वहीं से गोगो बस में सवार हो जाएंगे और फिर आगे की यात्रा करेंगे। फ्लैग पॉइंट मेरे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 400-500 मीटर की दूरी पर, तो हम पैदल ही उस तरफ चल पड़े हैं। दोस्तों, ये सड़क समुद्र के किनारे किनारे मरीना पार्क से सीधी आती है। जहाँ पर सफ़ेद गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर कुछ स्टॉल लगे हुए हैं और ये है फ्लैग पॉइंट। समुद्र में काफ़ी हलचल है और हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं, जिसके कारण इस पर वॉकिंग ट्रैक पर चलने का अलग ही आनंद आ रहा है। यहाँ से सामने जो छोटा द्वीप दिख रहा है वो रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है। तो दोस्तों, यहाँ से फ्लैग पॉइंट स्मारक की सीमा शुरू होती है। बीच में एक लंबे पिलर के चारों तरफ जो छोटे छोटे पिलर लगे हैं ये सभी LED लाइट वाले पिलर हैं और बैठने के लिए पत्थर की ही बेंच भी बनाई गई है, यू शेप में आप देख सकते हैं। स्मारक के प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ एक टीन की आकृति गोल आकार में बनाई गई है और इसी के अपोजिट साइड जहां लोग बैठे हैं वो बस स्टॉप है। हमें शायद गोगो बस यहीं से मिल जाएगी। दोस्तों, लाखों सैनिकों के बलिदान को इतिहास की पुस्तकों से निकाल कर नागरिकों के मध्य प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम उपाय होता है स्मारक बनाना। नेताजी ने सर्वप्रथम यहीं पर तिरंगा झंडा फहराया था। पिलर के ठीक नीचे नेताजी का नारा और वर्तमान में सैन्य अभिवादन का प्रिय वाक्य जय हिंद अंकित है। बड़े अक्षरों में 1943 लिखा हुआ है 1943 और उसके नीचे लिखा है फर्स्ट ट्राई कलर होस्टिंग इन इंडिया। इसी के ठीक सामने एक मंदिर बना हुआ है, दक्षिणी वास्तुकला का मंदिर है, काफी बड़ा लग रहा है देखने से। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एक तो नीचे संस्कृत का वाक्य है और पीछे पिलर्स पर जय हिंद लिखा हुआ है अलग अलग भाषाओं में। हिंदी वाला तो मैं पढ़ सकता हूँ, बाकी नहीं पढ़ सकता। और उसके बगल में एक ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है भारत की रक्षा एवं पराधीनता के बंधन से मुक्ति हेतु शत्रुओं को पराजित करने वाले अज्ञात वीर। जाहिर तौर पर ये आजाद हिंद फौज के जो अज्ञात वीर हैं उन्हीं को समर्पित होगा। इस दीवार पर दोस्तों 30 दिसंबर 1943 के दिन का इतिहास बताया गया है, उसके महत्व का उल्लेख, और उसी के बगल में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें लगभग आधे घंटे से ज़्यादा बीत चुका है लेकिन अभी तक एक भी बस हमें नहीं दिखी है, ना गोगो बस ना कोई सामान्य बस। तो हमने मैप पर देखा, इस मंदिर के जस्ट पीछे एक छोटा सा अन्ना ढाबा करके है, तो अन्ना ढाबा पे जाके कुछ चाय पानी कर लेते हैं और फिर अगर गोगो बस दिखती है तो हम वहीं से सवार हो जाएंगे। मंदिर के ऊपरी भाग में मूर्तियों की सजावट आप देख सकते हैं, किस प्रकार की कुशल नक्काशी की गई है। यहाँ पर शायद कोई त्यौहार चल रहा है, उसी के लिए ये बोर्ड लगाए गए हैं और इसी बोर्ड के पीछे ही अन्ना की दुकान है। ये है वो अन्ना की दुकान, देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर खाने के लिए इडली उपलब्ध है अभी और इडली के साथ चाय भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर हम नाश्ता करके फिर आगे चलते हैं। ये 3 इडली, चटनी, 1 चटनी टमाटर की है, ये नारियल की चटनी आ गई और इसके साथ ये सांभर आ गया। तो ये 30 रुपये प्लेट है दोस्तों, मतलब 10 रुपये की एक इडली। और अब ये चाय बनाने का तरीका देखिए अन्ना का।
तो दोस्तों फ्लैग पॉइंट पर आधे घंटे और लगभग 15 से 20 मिनट इस ढाबे पर रुकने के बाद में हमें जब गोगो बस नहीं दिखी तो हम ऑटो पकड़ कर निकल चुके हैं समुद्रिका मरीन म्यूजियम के लिए। दोस्तों ये मरीना पार्क के बाहर की जगह है, यहीं पर वो क्रिसमस का मेला चल रहा है शायद, तो आज शाम को हम आकर देखते हैं इस मेले को। ये सामने दोस्तों पहाड़ी की ढलान पर भारत का नक्शा बनाया गया है, इसमें भारत के सभी राज्यों की बाउंड्री भी बनी हुई है। तो दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं समुद्रिका नेवल मरीन म्यूजियम, बाहर बोर्ड पर टिकट के प्राइस लिखे हुए हैं, तो हम टिकट लेकर के फिर चलते हैं अंदर। प्रवेश करते ही सामने एक छोटा सा पार्क है जिसमें बड़ी बड़ी तोप और दो मिसाइल रखी हुई हैं। इस मिसाइल के बीच में एक मरीन कमांडो बैठे हुए हैं, इनके साथ आप सेल्फी ले सकते हैं। और ये सामने रखा हुआ है लंबा सा ब्लू व्हेल का स्कल्टन, और उसके साथ ही उससे संबंधित जानकारी बताने वाला एक बोर्ड भी रखा हुआ है। उसके अपोजिट साइड में थोड़ी ऊंचाई पर दो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। ये झोपड़ियाँ जो यहाँ के जनजाति समूह हैं उन वो लोग जैसी झोपड़ी बनाते हैं वैसी ही झोपड़ी बनाई गई। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते ही एक शेड के नीचे मूर्ति कला के माध्यम से जारवा जनजाति की जानकारी दी गई है, और उसी के बगल में एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें एक स्टोरी लिखी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके आगे एक छोटी सी निकोबारी हट रखी हुई है, उसके अंदर जो निकोबारी जनजाति के लोग हैं वो जैसी हट बनाते हैं उसी प्रकार से बनाने का प्रयास किया गया है। इस झोपड़ी के अंदर एक सामान्य परिवार में पाए जाने वाले वस्तुओं को भी रखा गया है। आगे एक हॉल है, उस हॉल में कुछ सोफे रखे हुए हैं जहाँ पर बैठकर सामने डॉक्यूमेंट्री चल रही है टीवी पर, और पीछे की साइड में एक नाव रखी है, उसके साथ कुछ जनजाति लोगों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। उसके बीच में जलपरी का भी चित्र बनाया गया है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं सबसे पहले कमरे में, उसके द्वार पर ही ये पहिया रखा हुआ है, ये जहाज की दिशा बदलने वाला पहिया है जो हेल्म के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस पहिए के बगल में ही ये चित्र दीर्घा है, इसमें जो पोर्ट प्लेयर के आसपास के मुख्य मुख्य द्वीप हैं उन द्वीप की फोटोज लगाई गई हैं, जैसे वाइपर द्वीप आप देख सकते हैं बीच में, तो इस तरह के सारे चित्र लगाए गए हैं। तो अब चलते हैं रूम के अंदर। इस पूरे रूम में इस तरह के पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, डिस्कवरी फॉर्मेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, तो यहाँ की टोटल जानकारी इस रूम में आपको मिल जाएगी। इसका अंडमान निकोबार कैसे बना, मतलब उसकी भूगर्भीय परिस्थितियाँ उस समय क्या थी जब इसका फॉर्मेशन हुआ। आपको पता है भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में है, उसकी बड़ी सी फोटो बीच में बनी हुई है। उसके आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अंडमान निकोबार के किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई गई है उसका विवरण दिया गया है। 6 मुख्य जनजातियाँ हैं जिनको यहाँ पर नक्शे पर प्रदर्शित किया गया है। और सबसे आखिरी में टिम्बर के बारे में जानकारी दी गई है, और 4 टिम्बर के टुकड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, 3 तो रखे हुए हैं और एक दीवार से लटका हुआ है ये वाला। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले रूम की तरफ। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर की साइट्स का चित्र लगा हुआ है जो मुख्य मुख्य यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे सेलुलर जेल हो गया, ये बीच में क्लॉक टावर किनारे हो गया, गांधी प्रतिमा है, और चौथम सामील के बारे में है,
उसके आगे ये मैरीन लाइफ के बारे में, जिसमें मछलियों के बारे में और भी जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनके बारे में जानकारी है। और ये दूसरा नंबर का कमरा पूरा एक्वेरियम की तरह का है, इसमें विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, सांप और सी कुकुम्बर, उर्चिन, ऐसे ऐसे जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो मैं एक एक करके सारे के सारे सेल्फ आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम अगले कमरे में चलेंगे। दोस्तों उर्चिन को तो मैं देखकर समझ ही नहीं पाया कि उर्चिन क्या चीज़ है। बाद में मुझे पता चला कि ये जो ब्लैक कलर की बॉल्स हैं कांटी लगी हुई, यही उर्चिन कहलाती है। और सेम हुआ सी कुकुम्बर के साथ में। सी कुकुम्बर को जब भी देखकर मैं जान नहीं पाया क्योंकि उसकी कोई फ़ोटो या कुछ नहीं लगा हुआ था बाहर। बाद में मुझे पता चला कि सी कुकुम्बर जो आगे की दीवार पर चिपका हुआ है, इसी को सी कुकुम्बर कहते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों रूम नंबर 3 की ओर। ये देखिए टेलीविजन पर पूरी डॉक्यूमेंट्री चल रही है। इस डॉक्यूमेंट्री में इस म्यूजियम के बारे में ही जानकारी दी गई है, कहां पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसको आप आराम से सोफे पर बैठकर देख सकते हैं। उसके बगल में एक फोटो लगी हुई है। तो ये एल शेप में बना हुआ म्यूजियम है। ये कोरल्स के बारे में जानकारी देने वाला कमरा है। इसमें आपको रंग बिरंगे कोरल्स देखने को मिल जाएंगे जो आकृति में भिन्न भिन्न हैं। और उन्हीं आकृतियों के आधार पर भी इनका नामकरण किया गया है। जैसे एक ब्रेन कोरल देख सकते हैं आप, जो देखने से ये मानव मस्तिष्क के समान लगता है। इसके अलावा ये फिंगर है, तो ये फिंगर जैसा लग रहा है, इसलिए इसका नाम फिंगर कोरल हो गया। इस तरह से ही नामकरण हुआ है। और साथ में इस प्रकार के बोर्ड भी लगे हैं जिसमें आप कोरल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए ये मशरूम के तरह की संरचना है, इसलिए इसका नाम मशरूम कोरल हो गया।
दोस्तों ये एक विषय हमेशा रहा है कि कोरल जंतु है या पत्थर है, तो उसके बारे में जानकारी देता हुआ ये बोर्ड हमें दिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस बोर्ड के अनुसार कोरल्स को जंतु की श्रेणी में रखा गया है। सारे कोरल्स को एक एक करके देखने के बाद में हम अगले कमरे की ओर चलते हैं। देख सकते हैं कि बीच में नौसैनिक पहिया घुमा रहे हैं उसी वेल्म को जो बाहर रखा हुआ था। दोस्तों रूम नंबर 4 समर्पित है शंख और सीपी के लिए। इस कमरे में आपको विभिन्न प्रकार के शंख, वही शंख जो हम पूजा पाठ में बजाते हैं, मंदिरों में देखा होगा या घर पे देखा होगा, तो वो सभी शंख विभिन्न प्रकार के शंख रखे हुए हैं यहाँ पर। और उसके साथ ही जो मोती जिसके अंदर बनता है वो सीप भी यहाँ पर रखी हुई है। उन सीप का जो बाह्य आवरण होता है वो रखा हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े भी हैं ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो बीच में रखे हुए हैं ये इतने बड़े हैं कि इनको सेल्फ में रखना मुश्किल है, इसलिए इनको बीच में रखा गया होगा। ये एक झूले के, छोटे बच्चे के झूले के आकार के हैं। यहाँ पर इतने अलग अलग प्रकार के शंख रखे हुए हैं कि जिंदगी में आपने नहीं देखा होगा, ना फोटो वीडियो में ना ही प्रत्यक्ष तौर पर। छोटे आकार से लेकर के बड़े बड़े आकार तक के शंख यहाँ पर रखे हैं। सीपियाँ तो लगभग एक ही जैसी होती हैं, इसलिए जो बड़े बड़े आकार की सीपी हैं वही यहाँ पर रखी हुई हैं। तो हम चलते हैं अब अगले और आखिरी कमरे की ओर, वो है कमरा नंबर 5। इस कमरे के अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंगल में आ गए हों। इस कमरे की चारों दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से जो यहाँ की जनजातीय जीवन शैली है उसका प्रदर्शन किया गया है। ये बीच बीच में मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं और उनसे संबंधित जानकारी देने वाले बोर्ड भी रखे हुए हैं। इस कमरे में आकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय भी इन जनजातियों का जीवन शैली कैसी है। इसके बाद में हम इसी के सामने बने पार्क में आ जाते हैं। इस पार्क में आप देख सकते हैं बीच में एक जलपरी की फ़ोटो है और चारों तरफ सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं जहां पर आप खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं इन रॉकेट्स के साथ में, मिसाइल्स के साथ में, और जलपरी कमांडो और दो जो पहिया घुमाते हुए नौसैनिक बने हुए हैं। इसके साथ ही ये दूर तक मार करने वाली लंबी रेंज की बंदूक भी रखी हुई है। उसके बगल में रखा है ये एंकर, ये बड़े जहाज़ों का एंकर लग रहा है, इसके बारे में यहाँ बोर्ड पर लिखा भी हुआ है। इसी के सामने जस्ट आप दुकान देख सकते हैं। तो पार्क को देखने के बाद अब हम चलते हैं दुकान की तरफ और उस दुकान के अंदर क्या क्या वस्तुएं मिलती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये है दोस्तों वो दुकान है, इसमें हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं रखी हुई हैं। इस दुकान में मोतियों की माला, शंख, सीप आदि चीज़ें जो समुद्री उत्पाद हैं वो सभी मिल जाएंगे। दोस्तों लगभग 2 घंटे हमें इस म्यूजियम में हो चुके हैं, तो हम अब चलते हैं अगले गंतव्य की ओर जो है सेलुलर जेल। दोस्तों सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था, आप जानते हैं, तो वहाँ का पूरा इतिहास देखने में और सारी फोटोज़ देखने में और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं पूरा जेल घूमने में मुझे लग रहा है 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा। उसको मैं शॉर्ट करूँगा तब भी 1.5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं आपको सेलुलर जेल में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।